दिवाली के त्योहार पर क्रिकेट वर्ल्ड कप का रोमांच फैंस की सर चढ़कर बोल रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप में लगातार 8 मैच जीतकर अपनी ताकत दिखा दी है और अपनी 9वीं जीत के लिए भी तैयार है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला किससे होगा। क्रिकेट फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि भारत का मुकाबला उसके चिर प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान से हो। हालांकि यह होना किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए अपने अगले मैच में एक असंभव जीत हासिल करनी होगी। चमत्कार के इतर देखा जाए तो सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से लगभग तय है, क्योंकि वह पाकिस्तान से रन रेट के मामले में काफी बेहतर स्थिति में है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस आधार पर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगी और फैंस को भारत पाकिस्तान का धांसू मैच देखने को मिलेगा। पहले तो पाकिस्तान को अपना मैच किसी भी हालत में जीतना होगा। यदि वो नहीं जीत पाती तो वो सीधे सीधे ही वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। पाकिस्तान का अगला मुकाबला इंग्लैंड से है तो चमत्कार की उम्मीद भी कम ही है। फिर भी दो सिचुएशन में पाकिस्तान को यह मैच जीतना होगा सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। पहली, यदि पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो उसे इंग्लैंड को 287 रन से हराना होगा, जबकि पाकिस्तान की वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत 255 रन की है। वहीं पाकिस्तान अगर चेस करता है तो उसे इंग्लैंड द्वारा दिए गए स्कोर को मात्र 16 से 22 गेंद में ही हासिल करना होगा, जो आज तक क्रिकेट इतिहास में नहीं हो सका। सबसे कम बॉल में स्कोर चेस करने का रिकॉर्ड श्रीलंका का है, जिसने जिम्बाब्वे के खिलाफ 26 गेंद में टारगेट चेस किया था। इंग्लैंड को देखते हुए दोनों ही सीन पाकिस्तान के लिए नामुमकिन लगते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत भी संभावना मानी जाए तो वो पहले सीन की है, जहां पाकिस्तान अच्छा स्कोर बनाकर इंग्लैंड को बेहद कम स्कोर में आउट कर दे। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी और भारत और पाकिस्तान का मैच हो पाएगा?